ये दोस्तों गैजेट जोन में आज आप देखोगे कूल बाइक एंड बाइसिकल गैजेट्स जो बहुत इजीली आ जाएंगे आपके बजट में। आप बस वीडियो को अभी से लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन कर लो, लेट्स बिगिन। एंड आज वीडियो की शुरुआत होगी इन टर्न सिग्नल से। देखिए कार्स, बाइक्स, स्कूटीज, इन सभी व्हीकल्स में टर्न सिग्नल्स होते हैं, जस्ट हमारी बाइसिकल्स में ही नहीं होते। तो अपनी बाइसिकल के हैंडल के एंड्स में आप ये टर्न सिग्नल्स लगा सकते हो। ये काफी ड्यूरेबल होने के साथ साथ फुली वाटरप्रूफ रहते हैं, तो अगर बारिश हो रही हो या फिर इन पर पानी पड़ जाए तो भी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दिन में इनकी लाइट उतनी ज्यादा विजिबल तो नहीं रहती, बट रात के टाइम ये काफी ब्राइटली ग्लो करते हैं, तो रोड पर लोग दूर से ही इन्हें नोटिस कर लेंगे। और इनका इंस्टॉलेशन बस 5 मिनट का काम है, एंड वो भी आप खुद ही कर लोगे, अलग से उसके लिए शॉप पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वही दोस्तों टर्न सिग्नल्स की ही तरह बाइसिकल में साइड मिरर्स भी नहीं होते, तो पीछे से आ रही गाड़ियों को आप देख कैसे पाओगे? वेल, उसके लिए आपको ऐसे साइड मिरर्स ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे, वो भी 500 रुपए से भी कम के प्राइस में। इन मिरर्स में एंटी ग्लेयर लेंसेस का यूज किया जाता है, जिसके चलते इन पर जब लाइट पड़ती है ना तो उसकी वजह से आंखों पर ग्लेयर की दिक्कत नहीं आती। अब इंस्टॉलेशन इनका भी काफी सिंपल एंड इजी रहेगा, सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से या आप इन्हें इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। एंड लुक वाइज भी यार ये काफी स्लीक काफी कूल है, सो आफ्टर इंस्टॉलेशन ये आपकी बाइसिकल को कुछ इस तरह का काफी तगड़ा लुक दे देंगे, वो भी फॉर श्योर। अब इस टाइप के लॉक्स आपने काफी देख रखे होंगे, बहुत कॉमनली यूज होते हैं, बट एक मेजर डिफरेंस जो इसमें और बाकी ऑर्डिनरी लॉक्स में होता है वो ये है कि ये लॉक फिंगरप्रिंट बेस्ड रहता है, यानी इसे अनलॉक करने के लिए कोई चाबी वाबी नहीं चाहिए आपको, ना ही आपको चाबी अपने साथ रखने की जरूरत है, ये आपके फिंगरप्रिंट से ही अनलॉक हो जाएगा। देखा जाए तो इससे चाबियों के डुप्लीकेट होने के या फिर उनके खोने की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। एंड ये कीज वाले लॉक्स से ज्यादा सेफ एंड सिक्योर भी रहेगा, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा बस, अब उसे तो कोई डुप्लीकेट कर नहीं लेगा। इसके फिंगरप्रिंट पैनल के जस्ट ऊपर एक माइन्यूट सी एलईडी मौजूद रहती है जो लॉक एंड अनलॉक होने पर ब्लिंक करती है। ओवरऑल गाइस, बेटर सिक्योरिटी के पर्पस से आप ऑर्डिनरी लॉक्स की जगह अपनी बाइसिकल में इस एडवांस्ड फिंगरप्रिंट बेस्ड लॉक का यूज कर सकते हो। अब इस छोटे से पंप की बात करें तो यार ये इमरजेंसी में आपके बहुत काम आ सकता है। नॉर्मल तो पंप में खुद अपने हाथ से उसे चलाकर हवा भरनी पड़ती है, बट ये मिनी CO2 पंप अपने आप ही बाइसिकल के टायर्स को इंस्टेंटली इन्फ्लेट कर देता है। उसके लिए सिंपली आपको इसे लगाना है टायर के नोजल में, एंड फिर इस पंप में पीछे साइड मौजूद बटन को करना है प्रेस, एंड कुछ ही सेकंड्स में टायर पूरी तरह से हो जाएगा इन्फ्लेट। बड़े पंप्स की तरह इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, एंड क्योंकि ये साइज में इतना छोटा रहता है तो आपकी पॉकेट में या बैग में इजिली फिट हो जाएगा ये। अब ऐसे लुक्स अपनी बाइसिकल में जिन्हें भी चाहिए वो ले सकते हैं ये रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स, जो कि जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो देखने में ऐसा लगता है जैसे टायर्स में नियॉन वाली लाइट्स लगी हुई हैं। ना ही चार्ज करने की टेंशन, ना ही सेल डालने का झंझट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई काम है ही नहीं इनमें। ये रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स ऐसे पैकेट्स में मिल जाएंगे आपको, एंड कलर चॉइस भी इसमें काफी वाइड है, तो इन्हें पैकेट से निकाल कर आपको बस अपनी साइकिल के टायर्स के स्पोक्स यानी उसकी तीलियों में इन्हें लगा देना होगा बस, और रात के टाइम ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो इससे रोड पर लोग आपको इजीली नोटिस कर पाएंगे, जिससे सेफ्टी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। आपने देखा होगा बाइसिकल एंड बाइक वाले जो फोन माउंट्स आते हैं उनका साइज कितना ज्यादा बड़ा रहता है, बट अब मिली है दुनिया के सबसे छोटे फोन माउंट से, ये है लूप माइक्रो माउंट। एंड ये इतना छोटा है कि इसे जब आप अपनी बाइसिकल में लगा लोगे तो लगाने के बाद भी पता ही नहीं चलेगा कि अलग से कुछ लगाया भी हुआ है हैंडल पर। इसमें आप किसी भी साइज के स्मार्टफोन को माउंट करके लगा सकते हो। बाइसिकल चलाते टाइम चाहे मैप देखना हो या फिर गर्लफ्रेंड के मैसेजेस चेक करने हो, बार बार फोन को पॉकेट से निकाल कर उसे देखना यार बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सिंपल एंड परफेक्ट सॉल्यूशन है ये अल्ट्रा कॉम्पैक्ट फोन माउंट। और जब भी बाइसिकल राइडिंग के दौरान कोई छोटी मोटी चीज स्टोर करनी हो तो कंधों पर बैकपैक टांग कर मेहनत करने की क्या जरूरत, सिंपली ये बाइसिकल बैग अपनी बाइसिकल में इंस्टॉल कर लो, एंड जो भी रखना है XYZ कुछ भी सब कुछ इसी बैग में रख सकते हो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्स इसके बहुत अमेजिंग है, मतलब इसे लगाने के बाद आपकी बाइसिकल पहले से ज्यादा ऑसम लगेगी। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये फुली वाटरप्रूफ है, सो बारिश के दौरान आप इसमें अपना स्मार्टफोन, वॉलेट और ऐसी ही दूसरी जरूरी चीजें भी रख सकते हो, पानी की एक बूंद भी इसके अंदर नहीं जाएगी चाहे कितनी भी तेज बारिश हो रही हो। एंड तीसरा, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी लार्ज है, तो मतलब ठीक ठाक स्टफ इसमें आप स्टोर कर सकते हो बाइसिकल राइडिंग के दौरान।
अब क्योंकि बाइसिकल में ना ही हेडलाइट्स होती हैं ना ही टेल लाइट्स, आप अपनी बाइसिकल में अलग से ये फ्रंट लाइट लगा सकते हो। वैसे आपको बता दूं दोस्तों कि इसे लगाना या हटाना बहुत ही सिंपल एंड इजी होता है, 10 सेकंड्स के अंदर ही इसे आप हैंडल बार पर माउंट करके लगा सकते हो। एंड क्योंकि इसमें मल्टीपल LEDs रहती हैं तो ब्राइटनेस भी इसकी काफी ज्यादा रहती है, ये नॉर्मली ग्लो करने की बजाय फ्लैश भी करती है। एंड एज यू कैन सी दोस्तों, नाइट टाइम में इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल एक बाइक की हेडलाइट जितनी रहती है या शायद उससे भी ज्यादा। एंड ये भी है तो एक बाइसिकल लाइट ही, पर इसका मेन फीचर ये है कि ये काफी कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ USB रिचार्जेबल होती है। मतलब बेसिकली इसे एक छोटी सी फ्लैश लाइट समझो आप, जिसे जब राइड करने जाना हो तो बाइसिकल में लगा लो एंड जब वापस आओ तो हटा लो, सिंपल। सेल वगैरह डालने का कोई झंझट ही नहीं है इसमें क्योंकि ये बैटरी बेस्ड है। बाकी इसमें भी आपको नॉर्मल के अलावा कुछ एक मल्टीपल मोड्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें ये फ्लैश करेगी। अब अपनी बाइसिकल के लुक्स के अकॉर्डिंग आप दोनों में से कोई भी एक फ्लैश लाइट ले सकते हो, वो वाली थोड़ी स्लीक एंड लॉन्ग डिजाइन के साथ आती है एंड ये वाली कॉम्पैक्ट एंड एलिगेंट। दोनों में से आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगी मुझे बताओ कमेंट्स में। दोस्तों ट्यूबलेस टायर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर वो पंक्चर हो जाएं तो उन्हें रिपेयर करना बहुत आसान रहता है। तो इमरजेंसी में अगर टायर कभी पंक्चर हो जाता है देन उसे आप इस रिपेयर किट से कुछ ही मिनट्स में रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले तो पंक्चर वाला होल ढूंढ लो, उसके बाद इस किट में से ये रबर जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसे निकाल लो, इस स्क्रू ड्राइवर जैसे दिखने वाले टूल में इसे फंसाओ एंड फिर उसे पंक्चर वाले होल में कर दो इंसर्ट, बस हो गया। ये रबर जैसा स्ट्रक्चर पंक्चर वाले होल को पूरी तरह से कर देगा सील एंड फिर वहां से हवा नहीं निकलेगी। एंड ये किट इतनी छोटी रहती है कि इसे तो आप अपनी बाइसिकल के हैंडल के अंदर भी रख सकते हो। अब ये रहा एक ऐसा फोल्डिंग लॉक जिसे आप अपनी बाइसिकल के अलावा बाइक या फिर स्कूटी के साथ भी यूज कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी मजबूती एंड इसकी लेंथ। इसकी लॉन्ग लेंथ के चलते आप अपनी बाइक को किसी पोल या किसी ट्री के साथ भी बांध सकते हो, जिससे सेफ्टी और ज्यादा बढ़ जाएगी उसकी। और यूज हो जाने के बाद इसे ऐसे फोल्ड करो एंड अपनी बाइसिकल के फ्रेम में लगा लो। सो सिंपल एंड इजी टू यूज। और तो और इसे आप मल्टीपल बाइसिकल्स या बाइक्स को भी आपस में एक साथ बांध करके लॉक करके रख सकते हो, वो भी कर देगा ये। एंड दोस्तों अब देख लेते हैं इस कूल फोन होल्डर को जो केवल बाइक्स के लिए ही बनाया गया है। हालांकि इसका लुक स्टाइलिश तो है बट काफी एक बाहरी टाइप का लुक दे देता है ये, तो स्पोर्ट्स बाइक पर तो ये बहुत ऑसम लगेगा, नॉर्मल बाइक्स पर शायद उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा ये। फिर भी इसमें आप अपने स्मार्टफोन को लगाकर उसे किसी भी एंगल पर एडजस्ट कर सकते हो, मतलब ये होता है फुली एडजस्टेबल। एंड साथ ही इसमें कोई सा भी स्मार्टफोन लगाया जा सकता है, बड़ा साइज, मीडियम साइज या छोटा साइज। रास्ते में कितने भी झटके लगे, कितने भी धचके लगे, ये स्मार्टफोन को एकदम फर्मली होल्ड करके रखता है, जिससे उसके गिरने का तो सवाल उठता ही नहीं है। सो गाइज, अब अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है देन प्लीज इसे लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि आगे आने वाले गैजेट्स की वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय।